एकदम नया और यूनिक नाश्ता लेकर आई हूँ। आपने इससे पहले कभी भी नहीं खाया होगा। सच मानिए दोस्तों, अगर आपने एक बार ये इस तरह से बना लिया ना, तो आपके बच्चे बार बार इसे बनाने की जिद करेंगे। इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए एक पैन में 1 कप सूजी को ऐड किया है। इस सूजी को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर इसे चलाते हुए मैंने भून लिया है लगभग 5 से 10 सेकंड के लिए। उसके बाद जितनी हमने सूजी ली थी उसमें इतना ही पानी ऐड करेंगे। तो 1 कप सूजी में 1 कप पानी ऐड करें, ये बिल्कुल परफेक्ट माप है। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सूजी जो है फटाफट पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच नमक को ऐड किया। तो यहाँ पर सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई और नमक भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 चम्मच ही भुना जीरा ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच गर्म मसाले को ऐड करेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर प्लेट में से निकाल लिया है और ये ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए थे जिन्हें कद्दूकस कर लिया था, और 1 ब्रेड ली थी उसे भी मिक्सी में पीस लिया था। इससे नाश्ता बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनकर तैयार होगा। और सबको हाथों से अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसका एक डो बना लेंगे। तो बहुत ही आराम से इसका डो बन जाएगा और देखिए बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है। तो थोड़ा सा हाथों में तेल लगाकर इसे इस तरह से चकोर शेप में फैला लेंगे। तो इसे हाथों से सेट कर लेंगे, बहुत ही आराम से हाथों से सेट हो जाता है। देखिए कितना अच्छा सेट हो चुका है और इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब एक चाकू की हेल्प से इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आराम से इसके पीस कट हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से चकोर शेप में इसे कट कर लिया है। अब दूसरी तरफ पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे और 1-1 करके सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, आप ये नाश्ता एक बार इस तरह से अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाइए। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। मेरे बच्चों को तो ये वाकई में बहुत ही पसंद आया है और बिल्कुल अलग नाश्ता और एकदम झट से बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं होगी, फटाफट से आप एकदम से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। या घर पर अचानक से भी कोई मेहमान आ जाए तो आप इस तरह से बनाकर उसे खिला सकते हैं, उसे भी बहुत पसंद आएगा और वो आपसे पूछेगा आपने कैसे बनाया है, इतना ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब देखिए अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, तो इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम अपना सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा झटपट से नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।